हेलो दोस्तों, मैं अविलश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। अगर आपने मेरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी की वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले हम जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। इंटरनल सिक्योरिटी वो होती है जिसमें देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए लॉ और ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट आर्म्ड इंसर्जेंसी। और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो होती है जिसमें देश को सिक्योर किया जाता है अगेंस्ट अग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और करंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं श्री राजनाथ सिंह जी। अब इंटरनल सिक्योरिटी करती क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी हर उस थ्रेट को इनकाउंटर करती है जो देश में जनरल पीस को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि सिविल डिसऑर्डर मतलब संविधान का पालन ना करना, या फिर लार्ज स्केल वायलेंस मतलब बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियां। ये थ्रेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी देश के लोगों या फिर उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हो सकती है। इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट को देखते हुए ही 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो कि पूरे 8 दिन तक चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हरमंदर साहिब में हो रहे खालिस्तान मूवमेंट, जो कि जर्नैल सिंह भिंडरांवाला के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट चलाया गया था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार भिंडरांवाला 1981 से लेकर 1983 तक कम से कम 6 बार पाकिस्तान गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों में लोगों को एडवांस वेपन ट्रेनिंग दी जा रही थी। यही नहीं, इससे पहले 1975 में इमरजेंसी के दौरान भी इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए आर्टिकल 352 को एक्शन में लाया गया था। किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी उस देश की पूर्ण उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी भूमिगत गहराई पर निर्भर करती है, इसी तरह अगर देश भीतर से सिक्योर होगा तभी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएगा। भारत देश की इंटरनल सिक्योरिटी में पैरा मिलिट्री फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं अपने देश के लिए यही दुआ करता हूँ कि मेरे देश में हमेशा शांति बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की कोई न्यू अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।